अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सबसे अधिक चर्चा में हैं क्योंकि वह पहली बार आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं सोमवार यानी 24 फरवरी को। यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से हो रही है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद में नवनिर्मित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को खास तौर से सजाया जा रहा है। अमेरिका के ह्यूस्टन में 5 महीने पहले हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की तरह ही इसे भी भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हाउडी मोदी कार्यक्रम को टेक्सास इंडिया फोरम ने आयोजित किया था, लेकिन नमस्ते ट्रंप का आयोजक कौन है इसको लेकर सवालों की झड़ी लग गई है। 180 मिनट के कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपए के खर्च का बोझ कौन उठा रहा है जैसे सवाल ट्रंप की मेहमान नवाजी में विघ्न पैदा कर रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति कार्यक्रम की आयोजक है, लेकिन रवीश कुमार के बयान से पहले तक इस समिति के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। यहां तक कि सरकार ने भी इससे पहले इस समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसकी न तो कोई वेबसाइट है, न ट्विटर अकाउंट है और न ही फेसबुक पेज, जबकि ट्रंप के भारत दौरे की जानकारी व्हाइट हाउस ने 10 फरवरी को ही दे दी थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट को सही माने तो ट्रंप के दौरे पर सरकार 80 से 85 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुछ खबरों में 100 करोड़ रुपए खर्च की भी बात की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर बैठकें कर रहे हैं। हमारे खबरी लाल की पड़ताल में पता चला है कि आयोजन के खर्च को सरकार के खाते में दिखाने से बचने के लिए समिति बनाई गई है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट्स, सरकारी कंपनियाँ और सहकारी संगठन भी CSR के तहत चंदा दे सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति एक निजी संस्था है और निजी संस्था के कार्यक्रम में सरकारी खर्च क्यों किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति के नाम पर भी बवाल हो रहा है। अगर इस नाम की कोई समिति है तो इसकी कहीं कोई जानकारी क्यों नहीं है। इंटरनेट पर भी इस समिति के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इसकी ना तो कोई वेबसाइट है, ना कोई ट्विटर अकाउंट है और ना कोई फेसबुक पेज। यहाँ तक कि इस समिति का अध्यक्ष कौन है, इसके सदस्य कौन कौन हैं, इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। ना सरकार ही इस बारे में कोई जानकारी दे रही है। हालांकि अहमदाबाद पश्चिम के सांसद डॉक्टर कीर्त सोलंकी को समिति का सदस्य बताया जा रहा है। उन्होंने खबरी लाल से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा कि शुक्रवार सुबह ही उन्हें फोन आया तो इसका पता चला। खर्च समिति को उठाना है, इसके लिए फंड कहां से और कैसे आएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसा किसने कहा। एक अन्य सदस्य हसमुख पटेल का कहना है कि समिति के काम के बारे में शनिवार को 12 बजे बैठक में तय होगा, फंड के बारे में भी उसी बैठक में चर्चा होगी। कुछ सवाल विदेश मंत्रालय के बयान के बाद खड़े हुए हैं। सरकार आयोजक नहीं है तो सरकार ने इसके लिए वेबसाइट क्यों बनाई। सरकार ने नमस्ते प्रेसिडेंट ट्रंप .in इस नाम से वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट को गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, लेकिन जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो अबाउट अस का पेज नहीं है। मतलब इस बारे में कोई जानकारी सरकार के स्तर पर नहीं दी जा रही है। पारदर्शिता का घोर अभाव है। ये 100 करोड़ का खर्चा हो रहा है, खर्चा कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। सत्ता विमर्श के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।